आज मैं आई हूँ यवाना क्लिनिक डॉक्टर माधुरी अग्रवाल के पास, जो कि खार में लोकेटेड है, अपना फेस का पीआरपी करने। आप लोगों को ये नहीं पता कि मुझे नीडल से बहुत डर लगता है। मैं बच्चों की तरह चीखने चिल्लाने लगती हूँ, इसीलिए देखती नहीं हूँ। कितना खून निकाल लिया मुझे, दिन में तारे दिख रहे हैं इस वक्त। टकिंग, जस्ट डू मॉक टकिंग फॉर योर सेटिस्फैक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट तो हेडबैंड का था यार। उतना मालूम है, पूरे घर में करती हूँ मैं। नहीं, यहाँ पे हम लोग पुट इट इन द एंड विद फॉर ड्राइनेस एंड पुट इट इन योर ही पुट चलेगा। हम पुट इन दिस, नहीं पेन होता है इन दोनों में। डाले यू दोनों, तुम लोगों ने मुझे कितनी बार, तुम लोगों ने मेरा डी वाइफ तो वैसा है, दैट इज द कुशनिंग बिहाइंड माय हेड। जो भाई बहन लग रहे हैं इस वक्त ना, तो ये भी अपनी फेस की केयर भी करा रहे हैं। एक बात तो साफ हो गई है कि मैं बहुत रेस्टलेस इंसान हूँ। पार्लर में भी मैं एक जगह नहीं बैठी रह सकती, वह यहाँ वहाँ चलती रहती हूँ, और यहाँ पे भी मैं बिल्कुल वही कर रही हूँ। प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। ये किसी ने, तुम वीडियो ले रहे, वेरी गुड। ये डालूंगी इसका, प्लीज प्लीज बोला ग्रेस ने, प्लीज बोला है मुझे, प्लीज। मैं गिर गई, मैं गिर गई खुशी के मारे, इन एस्टोनिशमेंट। मेरा जो हार्ट बीट बढ़ रहा है मेरा। यार मुझे वाकई में बहुत डर लग रहा है ये पीआरपी सेशन से, सच में यार। रिलैक्स, मुझे देखना नहीं, देखा आंख ही बंद कर जा, तो मैं तेरे आग मार दूंगी।
पेशेंट बन जाती हूँ फिर तो अंडरस्टैंड एनीथिंग. ये देखिए यहाँ पे ये मल रही है अपना, ये मेरे को यहाँ पे तकलीफ होती है तो ये समझती नहीं है, मेरे को बहुत दर्द होती है. ये देख शुरू हो गई इधर, ये देख यहाँ ये नीचे नीचे जाते हैं, ये दर्द शुरू हो गई. ये देखो तुम लोग ना मेरे को आधी रात मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं यूज किया कभी सेटाफिल मॉइस्चराइजर. आई टोल्ड मी लास्ट टाइम मुझे फाइव को किया था, फील बेटर आल्सो ठंडे पानी से. फिनिटो, दिस इज चोर कंपार्टमेंट. इसीलिए तुम लोग मेरे को इधर बिठाते ताकि बाहर कोई तुम्हारा क्लाइंट भाग के ना चला जाए. Maybe I'm just too sensitive now. Maybe my skin has become sensitive. No, I think you're thinking too much about it. It's there in the mind. Because we use vibrators, we also use very thin needles. Honestly, नहीं पता चला. मुझे इधर तो बिल्कुल ही नहीं पता चला. तूने क्या किया मेरे को नहीं मालूम था. When you started, I didn't know. But I kind of had. मेरे को समझ में आ गया कि तीन चार पुचकी मार चुकी है ये तब तक. बट आई वॉज वेरी हैप्पी. देन व्हेन यू स्टार्टेड कमिंग डाउन दिस साइड आई वॉज लाइक ये नहीं हो रहा, ये मेरा साइड से फुल ईयर. यू वर लाइक यहां पे जो आई एरिया है इट्स नॉट पेनफुल. हाउ इट शुड द मोस्ट सेंसिटिव. इन फैक्ट आई डू फिलर्स समटाइम्स विदाउट एनेस्थेशिया. दिस नॉट योर थिंग. तुम्हारा ये हां फिलहाल तो तुम्हारा जादू मैंने देखा हुआ है. हर बार तुम्हारा हाथ का जो जादू है ना मेरे को तोड़ देता है. मेरी ये लो की सफर. आई नो मैंने थोड़ी ना निकाला वो खा जाऊंगी बच्चा से. बाकी पीछे से वो झाड़ू मार रहा है कब से. ठीक है ना. आज फॉर सम फनी रीजन समबडी इज क्लीनिंग. आई हैव नेवर सीन पीपल क्लीनिंग हियर. पीछे से ऐसे झाड़ू ऐसे 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 और हम लोग झगड़ा करते हैं भाई क्लीन करो क्लीन करो. वैसी को देख के बोला इंप्रेस करने. रात को अगर कोई यहाँ पे बैठे और सडनली ऐसे झाड़ू आए ना हो गया खत्म. फिलहाल तो मेरा मुंह ऐसे लग रहा है जैसे 1000 मधुमक्खियों ने मेरे मुंह को डस दिया हो. ऐसे हाइव्स हो चुके हैं. आई कांट बिलीव इट बट आई थिंक इट्स फॉर द बेटर. कॉन्फिडेंस देखो जरा मेरा लोगों, कॉन्फिडेंस. ऐसे मुंह के साथ मैं पूरे क्लिनिक में चल रही हूँ ये देखने के लिए कि मेरा जो ये भाई है वो क्या कर रहा है, उसे कितनी दर्द हो रही है, उसका दर्द देख के मैं थोड़ी खुश हो जाऊँ. और ये देखो उसको तो कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है और वहाँ मेरी हवाएं टाइट हो रही थी. सोचो फिलहाल तो मैं ना फुग्गा लग रही हूँ पूरी तरह. ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितने मधुमक्खियों ने धस दिया हो मुझे. कसम से फिर से बोल रही हूँ मैं. ओ माई गॉड. Hmm.
किधर उधर लो मुझे नहीं दिखा दिस इज द कल्प्रिट शी इज द कल्प्रिट ये देख नहीं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि टाइम अप हो चुका है और मेरी स्किन पहले से बहुत बेटर लग रही है गाइस देयर इज़ नो फिल्टर नो मेकअप कुछ भी नहीं है मेरे फेस पे सिवाय मेरे आईब्रोज की हैं और मैंने थोड़ा सा मस्कारा लगाया है बट ओवरऑल पीआरपी फॉर द फेस इज मस्ट रिकमेंडेड आई थिंक एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है लोग बोलते हैं कि उसके 2-3 सेशंस लगते हैं बट आई एम ओके विद वन पेन का थ्रेशोल्ड कभी कभार मुझसे लिया नहीं जाता थोड़ा कम होता है बट आई थिंक एवरी वन शुड ट्राई इट बिकॉज कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है कोई एक्सटर्नल केमिकल्स नहीं यूज़ होते हैं आप ही का ब्लड से प्लाज्मा निकाला जाता है और आपके फेस में इंजेक्ट किया जाता है इसे वैम्पायर फेशियल भी कहते हैं तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करने में क्या जाता है सो कर लिया एंड दिस इज द रिजल्ट आई थिंक इट्स रियली नाइस इट्स रियली नीट एंड या I'm feeling good. So bye for now and see you soon.